الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل حتى يأتيك اليقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين एक बार दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں यूट्यूब पर दुनिया भर में सुनने वाले मुसलमान भाइयों और बहनों अभी हम लोग रमज़ानुल मुबारक से फारिग हुए और हज के महीने शुरू हो गए और अब हज के महीने ख़त्म होने को करीब है। हज के अय्याम और दिन तो पूरे हो गए, अब हमारे सामने इस्लामी साल की शुरुआत आ रही है। इस्लामी साल और बरस की शुरुआत मुहर्रमुल हराम से होती है। अंग्रेज़ी में ईसाई कैलेंडर के एतबार से जनवरी का महीना शुरुआत का है और इस्लामी साल के एतबार से साल और बरस की शुरुआत मुहर्रमुल हराम से है। इस पर मुस्तकिल एक डेढ़ दो घंटे का बयान होगा इंशाअल्लाह मुहर्रम आने से पहले ही, मगर आज 15-20 मिनट में खुलासा सुनाना है आप हजरात को, क्योंकि हम लोग अभी डेढ़ बरस के बाद ये मजलिस शुरू कर रहे हैं। अभी शहर वालों को पता नहीं है, हम सबको मिलकर मेहनत करेंगे तो धीमे धीमे इंशाअल्लाह मजमा होगा, मगर एक खुशी की बात सुनाता हूँ मैं आपको।
ये भाई लोग जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मुझे कनाडा में माल्टन में एक भाई रहते हैं, भाई ज़ुबैर करके, कीम के रहने वाले, कीम के। अभी जो कुर्बानी पर बयान हुआ था 20-25 मिनट का हुआ था, मुझे तो नहीं मालूम, उन्होंने मुझे ख़बर दी कि मौलाना 4.5 लाख आदमी ने सुना है वो नेट पर। कितने? ज़ोर से बोलो ना भाई, अल्लाह को गवाह रख कर कह रहा। उन्होंने जो बात कही वो मैं आपको कह रहा हूँ, वो नेट पर आता होगा, बताता है सर। या तो ये चाहे हमारी अभी अभी ये मजलिस शुरू हुई है, बहुत मुख्तसर सी है, 15-20 मिनट की, मगर इंशाअल्लाह ये फ़ायदे से खाली नहीं होगी, दुनिया भर में लोग इसको सुनते हैं। बहरहाल हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो दोबारा मजमा इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। इस वक्त मुझे जो काम की बात अर्ज़ करना है कि मुहर्रमुल हराम की फजीलत इस महीने की, हज़रत आदम अला नबीन अलैहि सलातु वस्सलाम के ज़माने से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अभी पैदाइश भी नहीं हुई थी, आपके नवासे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की भी पैदाइश नहीं हुई थी, हज़रत आदम अला नबीन अलैहि सलातु वस्सलाम के ज़माने से अल्लाह ताला ने मुहर्रम के महीने को इज़्ज़त बख्शी है और 10वीं मुहर्रम को भी इज़्ज़त बख्शी है। तो ये जब से दुनिया बनी है तब से मुहर्रमुल हराम से साल की शुरुआत हो रही है। अब जो हाल के ज़माने में मुसलमानों के दिमाग में जो चीज़ घुसी हुई है वो चीज़ ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 10वीं मुहर्रम को शहीद हो गए, इसलिए ये महीना बड़ा है और इसलिए ये दिन बड़ा, ये दिमाग में घुसा हुआ है, ये गलत बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश नहीं हुई, आपके नवासे की पैदाइश नहीं हुई, और अल्लाह ताला ने इस महीने की फ़दीलत हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम के ज़माने से की। अहादीस में और बाज़ जगहों में सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत आदम अला नबीन अलैहिस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई थी जब आपको और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया, तो आपने जो तौबा की और वो तौबा कबूल हुई है तो हदीस में है कि वो 10वीं मुहर्रम का दिन था। ज़रा ज़ोर से बोलो, कौन सा दिन था? तो 10वीं मुहर्रम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। हदीस मुस्लिम में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके हवारीन जो आपके हाथ पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने दरिया नील में उन लोगों के लिए रास्ता कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले बच गए, तो ये दिन भी 10वीं मुहर्रम का था। हदीस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके हाथ पर ईमान लाने वाले ईमान वालों का दरिया नील में बच जाना और दरिया पार करके निकल जाना हदीस में है 10वीं मुहर्रम का दिन था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने खा लिया था और 40 दिन तक पूरी दुनिया ये दरिया की सैर कराई, वो अल्लाह की एक मसलहत थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया की मखलूक़ात दिखाना था तो 40 दिन तक वो मछली के पेट में रहे और जो दुआ मांगी थी मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, वो दुआ कबूल हुई थी। दोबारा ज़ोर से बोलो, कौन सा दिन था? 10वीं मुहर्रम का दिन था। ऐसे कई वाक़यात नबियों के हुए हैं जिसमें 10वीं मुहर्रम का बाकायदा ज़िक्र आया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम की फजीलत बयान कर रहे हैं, अभी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा भी नहीं हुए नवासे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा में हैं, आपके आखिरी अय्याम चल रहे मक्के में, फिर आप मदीने पाक पहुँचे हिजरत करके,
तो आप जब मदीने पाक पहुँचे हैं तो यहाँ जब 10वीं मुहर्रम का दिन आया तो यहूदियों ने रोज़ा रख रखा था और ईसाइयों ने भी रोज़ा रखा था जो मदीने में रह रहे थे। आप सलासम तो मदीने पाक पहली बार आए थे, तो आप सलासम ने पूछा सही हदीस में, मा हादल यौमुल्लज़ी तसूमूनहु, ये कौन सा दिन है कि आप लोगों ने यहूदी और ईसाइयों ने रोज़ा रख रखा। तो यहूदियों ने जवाब दिया हदीस में कि हमारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनको फिरौन और उसके लश्कर से अल्लाह ने नजात दी थी, तो 10वीं मुहर्रम का दिन था, उसके शुक्राने में हमने 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा। ईसाइयों ने कहा हजरत हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनको उनके बलवाइयों से छुटकारा मिला था दुश्मनों से, तो 10वीं मुहर्रम का दिन था, तो हम ईसाइयों ने उसके शुक्राने में 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखा है। अभी इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु, ज़ोर से बोलो, पैदा नहीं हुए, आप मदीने पाक पहुँचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों और ईसाइयों से फरमाया, वनाहनु अहक्कु बिमूसा व ईसा, ए यहूदियों ए ईसाइयों तुमसे ज़्यादा, और ए ईसाइयों तुमसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, और ईसाइयों तुमसे ज़्यादा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हमको है। तुम तो सिर्फ एक नबी को मानते हैं, बोलो बेशक ज़ोर से, हम तो हर नबी पर ईमान लाते हैं। तो कहा हम तो पिछले नबियों पर भी ईमान लाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, और तुम यहूदी और ईसाइयों, मैं अल्लाह का नबी बनकर ज़ाहिर हो गया हूँ, सारे नबियों का सरदार हूँ, तो अभी तुम लोग ईमान नहीं लाते। तो तुम तो सिर्फ एक नबी पर ईमान लाए हो, हम तो सारे नबियों पर ईमान लाते हैं, लिहाजा तुमसे ज़्यादा हमारा हक है 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रखने का। चुनांचे आप मक्का से मदीना तशरीफ लाए, आप मक्के में थे, सुन लीजिए, तब भी 10वीं मुहर्रम का रोज़ा अल्लाह ने रमज़ान से पहले अल्लाह ने फ़र्ज किया था उम्मत पर, सुन्नत नहीं, ज़ोर से बोलो ताकि सबक याद रहे, क्या किया था, फ़र्ज किया था, रमज़ान के रोज़ों का हुक्म आया नहीं था अभी। तो उस वक्त उम्मत मुस्लिमा साहबे किराम मर्द और औरतें 10वीं मुहर्रम जब भी आती थी तो जैसे रमज़ान फ़र्ज समझा जाता है, इस तरह फ़र्ज समझकर 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते थे। और जब रमज़ान का हुक्म आया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो अल्लाह ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज फरमाए, जब ये आयत नाजिल हुई रमज़ान की और उम्मत मुस्लिमा पर क़यामत तक के लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, तो फिर अल्लाह ने 10वीं मुहर्रम का रोज़ा जो फ़र्ज था रमज़ान की जगह पर, उसको अल्लाह ने सुन्नत करार दिया। ज़रा ज़ोर से बोलो, क्या करार दिया, सुन्नत। और फरमाया हदीस में, दूसरी हदीस में, अब जो ये सुन्नत कोई अदा करेगा अल्लाह उसको फ़र्ज़ ही का सबक देगा। लिहाजा अब अगर हम 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखते हैं तो फ़र्ज़ ही का सवाब मिलता है, ये दूसरी हदीस हो गई। तीसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया, लइन बकैतु लासूमन्नत्तासे, आप सलासम ने सहाबा को 10वीं मुहर्रम के रोज़े का हुक्म दिया, मगर फरमाया अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 10 के साथ 9वीं का रोज़ा रखूँगा या 10 के साथ 11वीं का रोज़ा रखूँगा, लासूमन्नत्तासे। और एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जो 9 को न उठ सका तो अब क्या करेगा, 10 और 11 रखेगा, और जो उठ जाए 9 और 10 का रोज़ा रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना जाहिर की थी कि आइंदा साल में जिंदा रहा तो मैं 9 और 10 दोनों साथ रखूंगा, क्योंकि यहूदी सिर्फ 10 रखते हैं, ईसाई सिर्फ 10वां रखते हैं, मुझे अल्लाह ने मेरी शरीयत में उनकी मुखालफत का हुक्म दिया है, लिहाजा 9 और 10 का हुक्म दिया है। मगर सुन लीजिए, याद रखना, आप सलासम दूसरे साल जिंदा नहीं रह पाए, आप दुनिया से तशरीफ ले गए, मगर तमन्ना थी। और हदीस में नीयतुल मोमिन खैरु मिन, मोमिन की नीयत उसके अमल से भी बेहतर है, नीयत कर लो एक सवाब तो मिल जाता है। अगर आप सलासम जिंदा रहते तो ज़ोर से बोलो, 9 का रखते कि नहीं रखते, ज़्यादा उम्मत को तालीम दी थी कि मैं जिंदा रहा तो आइंदा साल 9 का भी रखूंगा साथ 10 के साथ, मगर आपकी ज़िंदगी ने वफा नहीं किया, चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने पास बुला लिया,
अगर उम्मत को फरमाया जो मुसलमान मेरे मरने के बाद भी ये दो रोज़े रखेगा तो अल्लाह ताला 2 साल के गुनाह माफ करेगा और 2 साल के रोज़ों का सवाब अता करेगा। कितनी बड़ी फजीलत है। एक तो ये फजीलत, दूसरी फजीलत सही मुस्लिम की हदीस में आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के रोजों के बाद सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम अफ़ज़लु मिन सियामि बाद रमजान। फरमाया रमजान के रोजों के बाद सबसे ज्यादा सवाब अल्लाह ने जिन रोजों का रखा है तो 10वीं मुहर्रम के रोजों का रखा है, मुहर्रम के महीने को रोजों का रखा है, बहुत ज्यादा फजीलत बतलाई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था हजरात के सामने, ये जो मुसलमानों के दिमाग में बात चली आ रही है कि 10वीं मुहर्रम इसलिए इज्जत वाला है कि इमाम हुसैन शहीद हो गए रजी अल्लाह अन्हु, जोर से बोलो सब मिलकर, ये बात गलत है, जोर से बोलो ना भाई ये बात। ये दिन तो पहले से बड़ा है, ये महीना तो पहले से बड़ा चला आ रहा है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश तो बाद में हुई और आप सरासम रमजान जो है मुहर्रम की महीने की फजीलत बयान कर रहे हैं और 10वीं मुहर्रम की फजीलत बयान कर रहे हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की पैदाइश तो बाद में हुई, उनकी शहादत का वाकया उनकी जवानी में हुई निकाह के बाद, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनकी पैदाइश से पहले 10वीं मुहर्रम के महीने 10वीं मुहर्रम की फजीलत बयान कर रहे हैं, उसका सवाब बतला रहे और मुहर्रम के महीने की फजीलत बतला रहे। यहाँ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अभी इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पैदा भी नहीं, फरमाया जो मुसलमान 10वीं मुहर्रम को अपने घर वालों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाएगा, रोज़ा न रखे कोई हरज नहीं, सुन्नत है तो बहुत बड़ी फजीलत है रखे तो, मगर अच्छे से अच्छा खाना खिलाएगा सही हदीस में, तो अल्लाह ताला शानु उसके घर में पूरा साल जो है रोज़ी में बरकतें नाजिल फरमाए। अब हम ये नियत कर लें कि भाई हम रोज़ा भी रखेंगे मगर घर वालों को इफ्तार के वक्त और मगरिब के बाना खाना शानदार खिलाएंगे, बोलो ना इंशाल्लाह, तो दोनों काम हो जाएंगे। देसी मुर्गा ले आओ, ये मुर्गे तो बहुत खाए। आप सलासम की हदीस में है कि अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ अपनी ताकत के मुताबिक, हदीस में है, और आपको यकीन ना तो करके देख लो आप, ऐसी बरकत अता फरमाएगा कि कर्ज भी उतर जाएगा। रोज़ी में बरकतें नहीं हो रही तो आप बरकतें देखोगे, शर्त यह है कि यकीन मजबूत होना चाहिए। कई लोग आकर कहते हैं ये हदीस सुनने के बाद, कई लोग कि वाकई अमल करके देखा तो अल्लाह ताला ने 10वीं मुहर्रम के दिन घर वालों को अच्छे से अच्छा खाना खिलाया तो अल्लाह ताला ने बहुत बरकतें अता फरमाई। शर्त यह है कि आदमी यकीन मजबूत करे। दूसरी बात यह अर्ज करनी थी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत बेशक 10वीं मुहर्रम को हुई मगर वो एक इत्तेफाक था। जोर से बोलो क्या था, जरा जोर से बोलो ना। हाँ, ये दिन तो पहले ही से बड़ा चला आ रहा है इस्लाम, मगर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी उसी दिन शहीद हो गए, और उनकी वफात के बाद 1200-1300 साल तक इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत पर कोई ताजिया, कोई गम नहीं, कोई मातम नहीं, किसी ने कोई मातम नहीं किया। ये अमीर तैमूर लंग करके एक शख्स था जो ईरान से निकला और वहाँ से उसको भगाया गया था, फिर वो यहाँ हिंदुस्तान आया लखनऊ, और यहाँ शियों, वो शिया ही था, और यहाँ शियों को आकर ये कहा कि ये यहाँ हिंदुस्तान में गैर मुस्लिम लोग अपनी मूर्तियाँ निकाल कर जुलूस निकालते हैं, तो हम इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को मानने वाले हैं, वो भी 10वीं मुहर्रम को शहीद हुए तो अपने जुलूस क्यों ना निकाले। बस यहाँ से शोशा शुरू हुआ। बहुत मालदार आदमी था, वक्त के बादशाहों को पैसा पहुंचाता था ये अमीर तैमूर लंग, वहां ईरान के बादशाह वो उनसे पैसा लेते थे, तारीख में लिखा है, बहुत पैसे वाला। मगर कुछ मामलात हुए थे जिसकी वजह से उसको मुल्क छोड़ना पड़ा, और चूंकि ईरान करीब है हिंदुस्तान, ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान ना इंडिया, तो बॉर्डर लगती है, तो ये होते 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 इधर चला आया कश्ती के रास्ते से।
और यहीं इसने बोधोबाश इख्तियार कर ली थी, फिर वो यहीं मर भी गया। कहने का मंशा ये है कि उसने ये बुनियाद डाली थी सबसे पहले शियों ने की, शिया के उलमा उसके खिलाफ गए कि इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं। तो शिया मातम ज़रूर करते हैं मगर ज़ोर से बोलो ताज़िया खेलते नहीं। उनको देखकर हनफी मसलक के लोग जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, अहले सुन्नत वल जमात के, उन्होंने ये चीज़ लेकर शुरू कर दिया और ये समझ कर के इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दिन शहीद हुए थे, इसलिए उनके नाम का जुलूस निकाला। अल्लाह के बंदे, शहीद होना तो फ़ख्र की चीज़ है, ज़ोर से बोलो भाई शहीद होना तो फ़ख्र की चीज़ है, शहीद होना कोई गम होने की चीज़ थोड़ी है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, ला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवात, जो अल्लाह के राह में शहीद हो गए उन्हें मुर्दार न कहो, बल अहयाउन, वो तो जिंदा है, वलाकिन ला तशुरून, कुरान में है दूसरे पार में, लेकिन तुमको अकल नहीं, वो तो जिंदा है, शहीद है। हमारी गवर्नमेंट और हमारी सरकारें भी जो कौम जो हुकूमत के नाम पर मर जाते हैं उनके नाम के स्टेच्यू बनाते हैं और उस पर लिखते हैं शहीदो अमर रहो, शहीदो, इससे मालूम हुआ कि शहीद क्या है, जिंदा है कि मरे हुए, बोलो भाई जिंदा है। तो जिंदा हो, कुरान कह रहा है, अल्लाह फरमा रहा है वो जिंदा है, बल अहयाउन, वो तो जिंदा है, वला किल्ला तशरून, लेकिन तुमको अकल नहीं, वो एक नई नई जिंदगी में शहीद, उसके खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह उसके सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर देता है। जैसे कुर्बानी के लिए, कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा जमीन पर गिरता है, साहिब कुर्बानी के सारे गुनाह माफ हो जाते। तो जो आदमी अपनी जान दे दे वो तो अल्लाह के यहां बहुत बड़ा मकाम है। इसलिए कुरान में एक और जगह आया, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़कून, वो जिंदा है, एक जगह पर कहा तुमको अकल नहीं वो जिंदा है, और एक जगह पर कहा वो जिंदा है, बल वला इंदा रब्बिहिम युरज़कून, उनके रब की तरफ से उनको रोजी पहुंचाई जाती शहीदों को। मजे कर रहा हूं, बस हमारी आंखों से उजल है, यकीन मजबूत होना चाहिए। मसला यही का है, इस उम्मत के आखिरी जमाने के मुसलमानों का यकीन कमजोर है, जरा जोर से बोलो ना भाई, यकीन कमजोर है, यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह की बातों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर। तो शहीद होना तो फख्र की चीज है, शहीद होना कोई मातम करने की चीज नहीं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, आखिरी जो सांस लिया अल्लाह का नाम लेते हुए, घर वालों से कहा था कि मेरे मरने के बाद 3 दिन से ज्यादा गम मत करना, वो हदीस में 3 दिन से ज्यादा गम करने की इजाजत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से 4th दिन गम करने की इजाज़त नहीं, माँ बाप भी मर जाए तो 4th दिन गम करने की इजाज़त नहीं, औलाद मर जाए तो भी नहीं, भाई बहन मर जाए तो भी नहीं, कोई भी मर जाए 3 दिन से ज्यादा गम करने की इजाज़त नहीं। हाँ, कुरान पाक में एक जगह ऐसी आई जहाँ औरत को उसके शौहर के मरने पर 4 महीने और, जोर से बोलो भाई 10 दिन, 4 महीने और 10 दिन गम मनाने की इजाज़त है, बस ये 2 गम मनाने की इजाज़त है इस्लाम में, 3 दिन कोई भी मर जाए और औरत का शौहर मर जाए तो औरत को इद्दत का जो वक्त दिया है गम मनाने के लिए वो 4 महीने 10 दिन, ये 2 गम के सिवा इस्लाम में तीसरा कोई गम ही नहीं। औरत भी 4 महीने 10 दिन के बाद निकाह करना चाहे निकाह कर सकती, कोई गम की इजाज़त नहीं। ये लेकर बैठ गया मीर तैमूरलंग के नाम से, और शियों ने छोड़ दिया और अहले सुन्नत वल जमात जो उसके नाम के ताज़िये निकालते हैं और फिर उस पर मन्नतें मानते हैं। मन्नत तो इबादत है, ज़रा ज़ोर से बोलिए भाई, मन्नत और इबादत किसकी होगी, अल्लाह की, तो ज़ोर से बोलो मन्नत भी किसके लिए होगी, अल्लाह के लिए होगी। तो मन्नत अल्लाह से मांगनी चाहिए। तो मैंने 2 बातें अर्ज़ की कि ये 10वीं मुहर्रम का दिन और मुहर्रम का महीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और पिछले नबियों से इज़्ज़त वाला है, ये जो कह दिया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की वजह से ये महीना बड़ा है या ये दिन बड़ा है, बिल्कुल गलत बात है। और शहीद होना फ़ख्र की बात है, मातम और गम करने की चीज़ नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिश्कात शरीफ में हदीस आई, लवदत्तु अन उख्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा हिया सुम्मा उख्तल सुम्मा हिया सुम्मा उख्तल,
मेरा जी चाहता है, आप सासन फरमा रहे कि मैं अल्लाह की राह में शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, यहां तक कि मेरी मौत आ जाए, कयामत आ जाए, यहां तक कि कयामत आ जाए, हत्ता याती यौमुल क़ियामा, यहां तक कि कयामत का दिन आ जाए, वहां तक शहीद हो जाऊं, मेरा जी ऐसा चाहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, इससे मालूम हुआ, जोर से जरा जोर से बेशक बोलो, कि शहीद होना फख्र की चीज है। हुजूर क्या फरमा रहे कि मैं कयामत तक शहीद होता रहा, मुझे पसंद है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, मातम वो करें, शायर क्या कहता है, मातम वो करें जो शहीद को मुर्दा समझे। हम जिंदे जावेद पर मातम नहीं किया करते। हमारा ईमान है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, बोलो भाई, मुर्दार है कि जिंदा है, जिंदा है, शहीद जिंदा है। तो शायर कहता है, हम जिंदे जावेद पर मातम नहीं किया करते। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु जिंदा जावेद है, ज़्यादा उन पर मातम नहीं करते। अल्लाह ताला शान हो, हमने ये दो बातें आप हजरात को बताई, जो करने का काम है वो रोज़ा रखना है। ज़ोर से बोलो भाई, क्या काम है? रोज़ा रखना है, इबादतें करनी, तिलावत करनी, उनके रफ़ दर्जात के लिए दुआ मांगनी, ताज़िया खिलना, देखने जाना, उसमें चंदा देना, शर्म के मारे भी आप पैसा नहीं दे सकते, हराम काम है। दीन में नई बात को ईजाद करना, उसको दीन समझ कर करते, बहुत बड़ा गुनाह है। और जो बातें हम सुनते हैं, पहले ही से मेहनत करनी पड़ेगी हमको, तब जा कर के उनके कानों तक बात पहुँचे। आज भी सच्चाई ऐसी चीज़ है कि जब दिल में ठोस उतर जाती है तो लोग तौबा कर लेते हैं। आपको यहाँ मालूम नहीं, हर साल वो शख्स आते हैं, अब तो बड़ी उम्र हो गई, अभी भी आते हैं। ये कौन सा मोहल्ला जहाँ सब मशीन चलते टिकटक टिकटक, सलाबतपुरा ममनवार, वहाँ से वो ताज़िये निकालते थे तो घोड़े पर आते थे, घोड़े की अंबारी पर। एक बार उन्होंने ये पूरा बयान सुना था घर में रहकर, अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दे दी, अभी तक कभी ज़िंदगी में नहीं गए, वो यहाँ आते हैं हर साल, साल में एक बार आते हैं वो। सच्चाई ऐसी चीज़ है कि दिल में जब जम जाती है तो आदमी तौबा कर ले। ऐसे तो बेशुमार लोग कर रहे हैं और हर आलिम के बयान से होता है। सच शर्त यह है कि हम उनको समझाने वाले बन जाए, मगर हमारा तबका भी उनके साथ देखा देखी, हमारे लड़के तबलीगी जमात के, यानी ख्यालात हमारे अहले तबलीग के, हमारे कितने नौजवान उनके साथ नाचने के लिए चले जाते, उनके साथ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या हुसैन, हम नहीं थे, या हुसैन, तो तुम होते तो क्या धार मारते, वह वो तो अपनी जाने दे रहे थे वह। तो हमारे कितने हमारे ख्याल के लड़के उनके साथ नाचने चले जाते, क्यों? देखा देखी या लोग क्या कहेंगे, इसलिए भी जाते हैं। ये दीन में नई चीज़ पैदा करना, अब सल्लम ने फरमाया, जो दीन में नई चीज़ पैदा करेगा, फ़ो रद्दन, अल्लाह उसको रद्द कर देगा, बहुत बड़ा गुनाह है। उसको देखने जाना भी, उसमें पैसा देना, उसमें शरीक होना। तो ये दो बातें मैंने आज की मजलिस में आप हजरात को समझाई कि दसवीं मुहर्रम का दिन और मुहर्रम का महीना तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से बड़ा है, इज़्ज़त वाला है। और दूसरी बात फरमाई कि शहीद होना फ़ख्र की चीज़ है, ज़ोर से बोलो, मातम की चीज़ नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं कयामत तक शहीद हो जाऊँ, मेरा ऐसा जी चाहता है। कुरान पाक से मालूम होता है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा शहीदों का है, सबसे बड़ा दर्जा। जहाँ भी शहीद का जिक्र है, समझे वो कामयाब है। ये कोरोना वायरस जो फेफड़ों की बीमारी में, जिसका असली पुराना नाम जो है निमोनिया है, अब सल्लम ने फरमाया, मम्मा तफी दातिल जम फव शहीद, जो इस बीमारी में इंतकाल कर गया वो शहीद है। हमारे नबी हसन भाई के बड़े भाई की साली आज इसी बीमारी में इंतकाल करके शहीद हो गए, फेफड़ों की बीमारी में, क्योंकि उसमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो सबसे ज़्यादा बीमारियों में ख़तरनाक यही चीज़ है कि आदमी को सांस लेने में तकलीफ, जीना मुश्किल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने दर्जा भी बहुत बुलंद बताया। तो हमें दो काम करने हैं, एक तो रोज़ा रखना है 9 और 10 या 10 और 11, एक इबादतों में मशगूल होना है, खुराफात से बचना है, और साल की शुरुआत में ये नियत करे कि मैं नमाजी नहीं हूँ तो मैं पक्का नमाजी बन जाऊँ,
मैं रोज़ा नहीं रखने वाला हूँ तो रोज़ा रखने वाला बन जाऊँ रमज़ान की पाबंदी ने। ज़कात अदा नहीं करता तो उसकी नीयत कर ले कि इस साल से ज़कात अदा। हज बाकी है और फ़र्ज हो चुकी तो नीयत करे कि इस साल इसकी पूरी नीयत कर लेता हूँ। और जो 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 आदमी गुनाह करता है उससे नीयत करे कि मैं इसको छोड़ने की अल्लाह कोशिश करूँगा पूरी पूरी। और भी जितने बंदों के हकूक़ है, बीवी का हक हो, शोहर का हक हो, औलाद का हक हो, पड़ोसी का हक हो, जानवरों का हक हो, आदमी नहीं अदा कर रहा है तो आदमी नीयत करे कि मैं इसको अदा करूँगा। किसी के सर पर कर्ज बाकी और नहीं दे रहा है तो ये नीयत कर ले कि अल्लाह तू मुझे देगा तो मैं उसका एक एक पैसा पहुँचाऊँगा। आदमी नीयत कर ले, ये साल की शुरुआत है। साल की शुरुआत अच्छे कामों से होगी तो पूरा साल बरकतें और रहमतें उतरेगी। और साल की शुरुआत ढोंग ढटिंग से होगी, बिदात और खुराफात से होगी तो पूरा साल इसी में जाएगा। अल्लाह ताला ये चंद बातों पर जो हमने बताई आपको आधा घंटा, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाल्लाह इस पर एक डेढ़ दो घंटे का मुस्तकिल बयान रखेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि जैसे आज पिछली बार से अब मजमा बढ़ने लगा तो हम सब मिलकर मेहनत करेंगे ना भाई, बोलो ना। क्योंकि डेढ़ बरस के बाद हम ये मजलिस कायम कर रहे हैं, बीच में डेढ़ बरस का वक्फ़ा गया है ये लॉकडाउन की वजह से। तब धीमे धीमे हम लोग मेहनत करेंगे तो धीमे धीमे हम अखबारों में भी देंगे इंशाल्लाह। और आप हज़रात व्हाट्सअप पर आए तो आप भी करो, ख़ुद भी आओ। और हर आदमी नीयत करे, आप यहाँ जितने बैठे हैं आप ये नीयत करें कि मैं 5-10 को लेकर आऊँगा, बोलो इंशाल्लाह। तो वापस जैसा मजमा था हमारा, करीब करीब 150 का मजमा हमारा रहता था, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ वापस ये मजमा जम जाएगा। अल्लाह ताला मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन वा आलिही वसहाबिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह अपने फ़दल से हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमा, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, नेक अमाल के साथ तंदरुस्ती के साथ गुनाहों से बचाते हुए तेरे दीन का काम कराते हुए मौला जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह हमारे माँ बाप, हमारी दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ, हमारे भाई बहन, हमारे बेटे हमारी बेटियाँ, ए अल्लाह जितने भी मरहूमीन हो चुके हैं, ए अल्लाह इन सब को शहीदों का दर्जा अता फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह इनको कब्र में राहत अता फरमा, इनकी कब्रों को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे। ए अल्लाह हम तेरे घर में बैठ कर तुझसे वादा मांगते हैं, पूरी उम्मत मुसलमान जितने भी खबरों में हैं, अल्लाह इन सब को जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, हमारे एयर कंडीशन कमरों से ज़्यादा उनको राहत अता फरमा, हमारे बाग बगीचों के घूमने से ज़्यादा अल्लाह तो इनको राहत अता फरमा। आपने जो शहीदों का दर्जा दिया है निमोनिया की बीमारी का, तेरे राह में क़ुरबान होने वालों का, ए अल्लाह हमारा यकीन है कि हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी शहीद लोगों की, निमोनिया और फेफड़े की बीमारियों में इंतकाल करने वालों की, ए अल्लाह इन सब को शहीदों का दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम मरहूमीन जितने भी चले गए उन सब से आप राज़ी हो जाएं। आप राज़ी हैं तो हमारे मरहूमीन का भी बेड़ा पार है, आप हमसे भी राज़ी हो जाएं। ए अल्लाह ख़ास कर हमारे माँ बाप, औलाद, रिश्तेदार सब की मुकम्मल मग़फ़िरत फरमाइए। इस मुबारक मजलिस का सवाब हमारे तमाम मरहूमीन को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को आप पहुँचा दें, और ए अल्लाह उनको राहत और सुकून अता फरमा, अपने अजाब से पूरी उम्मत इस्लाम की हिफाजत फरमा। हमारी जब बारी आए तो हमारी कब्रों में भी जन्नत के बागीचों का एक बाग बनाना, हमारे साथ भी रहम करम का मामला फरमाना। ए अल्लाह लंबी उम्र अता फरमा, बरकत वाली उम्र तेरी दीन की फ़िक्र के लिए हमारे इस यहाँ बैठने को कबूल फरमा। इन नौजवानों की जो दुनिया भर में यूट्यूब के ज़रिए दीन पहुँचा रहे, अल्लाह इनकी दुनिया आखिरत दोनों चमका दे, आने वाले मजमे को भी दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमा। जिनके सरों पे कर्जा है अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। मौला वो हमसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, वो हमसे नहीं कहते, वो तो आपसे कहते हैं। ए अल्लाह इनकी मदद नाजिल फरमा, जितने भी इस मजलिस में हैं या बाहर जिनके सरों पे कर्जा है अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा। जिनकी जो भी रुकावटें हैं बिजनेसों में, तिजारतों में, अल्लाह सब रुकावटों को ख़त्म फरमा। हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को अपने यहाँ इज्जत अता फरमा, कबूलियत अता फरमा, मकबूलियत अता फरमा, और हम तमाम जिंदा मुसलमानों के लिए और मरहूमीन के लिए सब के लिए अल्लाह इसको आखिरत का ज़रिया बना दे। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। बिरहमतिक या अरहम।